व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम उत्कर्ष पांडे, आप देख रहे हैं टेक लीनियर। गाइस सबसे पहले तो आप सभी को वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपके लिए मैं रात को 2:30 बजे वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि एक स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए कर रहा हूं। जैसे आपको बैक में मेरे दिख रहा है, ये फिलिप्स का 2.1 का टावर एंड टावर बार स्पीकर, दोनों कन्वर्टर स्पीकर है। मतलब जैसे कि आपको फोटो में मैं दिखाऊंगा, ये एक तरीके से बार में भी दो स्पीकर कन्वर्ट हो जाते हैं और टावर में भी रहते हैं। आपको जैसा बन करे, टीवी के नीचे लगाना है तो बार में लगा लीजिए, वैसे अगर आपको खाली गाने सुनने ऐसे रखना है तो जो है इसको टावर रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। ये 8000 वॉट का जो है PMU इसमें आपको मिल जाता है भाई। आपको 80 वॉट का स्पीकर प्लस में 80 वॉट का आपको RMS मिल जाता है इसमें, तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया स्पीकर है। 9000 प्लस इसकी कुछ प्राइसिंग है, और साथ ही साथ में आपको जो है ओनली 6500 रुपीज का आपको Amazon या Flipkart पे ये स्पीकर आपको मिल जाता है। ये होम थिएटर आपको मिल जाता है, इस होम थिएटर में आपको फिलिप्स की तरफ से FM रेडियो, ब्लूटूथ, यहां तक कि मेमोरी कार्ड, और साथ ही साथ में इसमें आपको ऑक्स केबल और ब्लूटूथ के साथ साथ आपको इसमें एक सिनेमा इफेक्ट भी साथ में मिलता है। तो उनके लिए खासकर जिनको मूवीज बहुत ज्यादा देखनी होती है, तो ये स्पीकर उन्हीं के लिए खासकर मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं। तो आइए इस स्पीकर के अनबॉक्सिंग करते हैं और देता हूं अपना फर्स्ट इंप्रेशन, और इस स्पीकर का लुक भी साथ में देख लीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस करने जा रहा हूं इसकी जल्दी से अनबॉक्सिंग, देने जा रहा हूं आपको अपना फर्स्ट इंप्रेशन। जल्दी से इसकी चलिए से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। हाँ तो गाइस यार, मैंने अपने इस होम थिएटर जो है फिलिप्स की तरफ से 2.1 मैंने इसको पूरा सेटअप कर लिया। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, ये इसकी तरफ से कुछ टिपिकल रिमोट मिल जाता है, सारे फिलिप्स स्पीकर के साथ कुछ ऐसा ही रिमोट मिलता है ज़्यादातर। तो इसको मैंने सेटअप कर लिया, अभी मैंने अपने मोबाइल से इसको, स्मार्टफोन से मैंने इसको जो है ऑलरेडी इसको ब्लूटूथ से मैंने कनेक्ट कर लिया है। आपको एक फर्स्ट पहले साउंड सुनाता हूँ, आप बताइए आपको कैसी लग रही है। और मैंने इसको ऑलरेडी जो है मैंने इसको 15 आवर्स तक यूज़ किया है, इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि मैंने इसमें मूवी देख डाली। मैंने इसमें जो है मत्स्यकाल जो मैक्स प्लेयर पर वेब सीरीज थी, मैंने पूरी इसमें देखी अच्छे से, और साथ ही साथ मैंने कई सारे सॉन्ग्स को सुना है। मतलब जो है पुराने सॉन्ग 90s के भी सुना है, 80s के भी सॉन्ग सुना, साथ ही साथ में न्यू सॉन्ग भी मैंने सुना है, धमक सब कुछ मैंने सुना है। तो यार उसके हिसाब से आपको ये साउंड कैसी लगती है, मैं फिर अपने जो है रिव्यू आपको, मतलब मेरी क्या सोच है स्पीकर के प्रति, मैं आपको उसके बाद बताऊंगा। चलिए देख। हाँ तो गाइस ये स्पीकर मैंने पूरा सेटअप कर दिया है फिलिप्स की तरफ से, जो कि 2.1 जैसे देख रहे हैं आप टावर स्पीकर है। इसको मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगा कि ये बार के तरीके भी कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये दोनों स्पीकर को आप लेटा करके जो है बिल्कुल इस तरीके से रख सकते हो, तो अभी टावर के रूप में मैंने इसको रखा हुआ है। आइए इसकी पहले आपको एक फर्स्ट साउंड सुना देता हूं। मैंने ऑलरेडी अपने स्मार्टफोन से इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया है, तो इसकी फर्स्ट साउंड आप सुनिए। और हाँ आपको बता दूं, ये माइक से आप आवाज सुन रहे तो आपको फाइनल इसका नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको मेरे रिव्यू जरूर मिलेंगे आखिरी में कि ये स्पीकर की साउंड, होम थिएटर की साउंड कैसी है। फिलहाल आप एक बार जो है थोड़ी सी साउंड पता ही कर ही लेंगे कि किस तरीके की इसकी धमक है। आइए आपको इसकी जल्दी से एक धमक सुना देते हैं। तो ये मैंने माइक अपना निकाल लिया है, और ये आपको जो है मैंने एक गाना चलाने जा रहा हूं, ये देखिए। अभी ये इसकी फुल साउंड नहीं है फ्रेंड्स, अभी इसकी फुल साउंड करेंगे तब देखिए कि कैसी आवाज होगी। अब मैंने गाइस इसकी पूरी फुल साउंड कर दी है, अब देखिए इसका फाइनल जो है आपको कैसी आती है आवाज। Do
तो गाइस जैसे कि आपने इसकी जो है साउंड सुनी, जो है म्यूजिक की साउंड मैंने अभी आपको इसकी सुनाई खाली खा, तो आपको ये साउंड कैसी लगी मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में। जैसे कि मैंने बताया फिलिप्स टावर जो है अपना जो है ये आपका आराम से जो है कन्वर्ट हो जाता है एक तरीके से, तो मतलब जो बार में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो आइए आपको बार में कैसे कन्वर्ट होता है एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ, जैसे इसमें जो नीचे स्टैंड लगे हुए हैं ये, इसको स्टैंड को आपको सिंपली हटाना होगा। दोनों स्पीकरों में एक एक स्टैंड लगे हुए हैं, तो दोनों स्पीकर के जो स्टैंड आप हटाइए कुछ इस तरीके से, अरे हट जा, हाँ इस तरीके से स्टैंड को हटाइए और इन दोनों को कुछ इस मतलब दोनों के जो है जो दोनों को आपस में पेयर करिए इस तरीके से। ये देखिए ये साउंड बार बिल्कुल बन गया आपका, बिल्कुल आप इसको टीवी के नीचे लगा सकते हो क्योंकि इसमें पीछे हैंगिंग करने के लिए दिया गया है। दोनों में देखिए जो है हैंगिंग करने के लिए आपको नट्स बोल्ट दिए गए हैं, तो आप इसको आराम से कुछ इस तरीके से इसको रख सकते हैं नीचे टीवी के नीचे भी। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है इसका लुक, ये देखिए आपको फाइनल लुक में देखिए आपको पता चल रहा होगा देखने में, ये इस तरीके से कुछ काम करेगा। इसको आप टीवी के नीचे भी लगा सकते हो, अगर आपके घर में जो है स्मार्ट टीवी है, जो भी टीवी है उसके नीचे इसको लगाइए और इस टावर को नीचे रख दीजिए या ऊपर रख दीजिए, सेटअप कर दीजिए इसके हिसाब से। सेटअप करना बहुत ज़्यादा आसान है, इस स्पीकर को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके हिसाब से। अगर आप इसको चलाएंगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर मैं आपको इस तरीके से कोई साउंड सुननी है तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसकी साउंड भी। तो यार ये आपने इसकी साउंड सुन के देखी, ये बार के तरीके लगाएंगे तो एक थोड़ा सा अलग साउंड इफेक्ट आता है, आप टावर के तरीके लगाएंगे थोड़ा सा अलग साउंड इफेक्ट आता है। तो आपको किस हिसाब से यूज़ करना है ये आपकी मर्जी के ऊपर है। मान लीजिए जैसे कि आप टीवी में मूवी वूवी देख रहे हैं तो आप साउंड बार के तरीके लगाइए, अगर आपको गाने सुनने हैं तो आप टावर के तरीके इसको यूज़ करिए तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा आपको अगर म्यूज़िक सुनना है तो। तो आइए आपके एक स्पीकर का एक लुक देख लीजिए, स्पीकर देखने में कैसा लगता है ऊपर नीचे हर तरफ से। आइए गाइस इस फिलिप्स टावर 2.1 का आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। अगर आप ऊपर साइड देखना चाहेंगे तो ये देखिए ऊपर साइड इसमें जो है पावर बटन, सोर्स बटन, ट्यून प्लस, ट्यून माइनस का सिस्टम दिया गया और ये देखिए कैसे डीजे वाला बढ़िया लुक दिया गया सिस्टम। ये अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से इसको पकड़िए, अपना वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन करना है, डीजे वाला लुक दिया गया है, बढ़िया लगता है। मतलब यार लुक बहुत ज़्यादा प्यारा दिया गया है जो है साउंड बार का पूरा पूरा होम थिएटर, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे 2.1। अगर इसको मैं पलटू अगर साइड में अगर दिखाना चाहूँ इसमें तो एक से देखेंगे तो ये देखिए इसका जो है साउंड बूफर सिस्टम यहाँ से दिया गया जहाँ से एयर पास होती है और ये देखिए इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर पास से दिखाऊं आपको तो ये इनपुट है, यहाँ से आप ऑक्स केबल को इनपुट कर सकते हैं। ये इसके साथ में ऑक्स केबल मिलती है गैस, ये देखिए इसकी ऑक्स केबल है जिसको आपने स्मार्टफोन के साथ ऑक्स केबल या जो है किसी भी लैपटॉप के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से इनपुट हो जाएगा। और साथ में सीडी सिस्टम भी इसमें साथ में दिया गया, अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो ये सीडी सिस्टम है, ये ऑडियो इनपुट सिस्टम है। यहाँ से मैंने दोनों स्पीकर का इनपुट किया, ये पावर ऑन ऑफ बटन यहाँ पे दी गई है एक अलग से, ये फिलिप्स का देखिए एक स्पीकर है। और साथ ही साथ में अगर आपको नीचे साइड में दिखाएंगे तो आप आइए गाइस इसके ऊपर नीचे साइड देख लीजिए, देखिए कितना बड़ा बूफर सिस्टम नीचे साइड भी इसमें लगा हुआ है स्पीकर में, मतलब बिल्कुल पैसा वसूल सिस्टम है ये नीचे का आपको दिख रहा है। मैंने इसको लेटा दिया है स्पीकर को और आप ये बार्स को अगर देखेंगे तो बार्स का फुल फाइनल लुक इस तरीके से दिख रहा है, पीछे जेट फिनिश इसमें दी गई है, मतलब कितना ज़्यादा प्यारा लगता है जेट फिनिश का यार, बिल्कुल पियानो फिनिश और जेट फिनिश जो भी आपको समझ में आ रहा है जो भी समझ लीजिएगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। और ये टावर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं कुछ इस तरीके से, ये है कुछ इस स्पीकर का फाइनल लुक होम थिएटर का फिलिप्स। गाइज अब बात कर लेते हैं इस होम थिएटर के ब्लूटूथ की कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसकी कैसी है। तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो मैं आपको बता दूं इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको 5.1 मिल जाती है, लेकिन अगर आपको कनेक्टिविटी की बात की जाए तो मेरे स्मार्टफोन या फिर मेरे लैपटॉप से तो बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है। मैंने इसको अपने स्मार्ट टीवी के साथ भी चलाया है, मी टीवी के साथ, तो उसमें कनेक्टिविटी तुरंत हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि आपको रिमोट में जाकर के जो है ब्लूटूथ सर्च करके जाकर इसमें क्लिक करना पड़ा है, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट तुरंत ही कर लेता है। तो कनेक्टिविटी के मामले में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जो यूपी कानपुर के लोग हैं उनके लिए खासकर एक चीज़ और है कि अगर आप जो है कानपुर में रहते हैं या कानपुर के आसपास रहते हैं तो अमित इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि गोविंद नगर में इनकी शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक्स की हर एक चीज़ की शॉप है, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक सामान ये बेचते हैं, कीबोर्ड माउस, यहाँ तक कि आपको कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए तो वहाँ पर जाकर आपको मिल जाएगा, नेकबैंड। तो वहाँ से अगर आप जाकर के लेते हैं तो अगर आपको नेट पर अगर ये 6,500 रुपीज़ तक मिल रहा है तो आपको वहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मेरा नाम लेते हैं टेक लीनियर का तो आपको 500 रुपीज़ का तो आराम से डिस्काउंट वहाँ पर मिल ही जाएगा। तो जाइए वहां से इसको जाकर के परचेज करिए और खरीद लीजिए अपना कोई फेवरेट इलेक्ट्रॉनिक आइटम।
तो गाइस जैसे कि मैंने आपको इसमें म्यूजिक सिस्टम सुना दिया, इसका फाइनल लुक दिखा दिया, ब्लूटूथ भी बता दिया इसका कैसा है। अब बात कर लेते हैं इसकी साउंड सिस्टम कैसा है। अगर आपको म्यूजिक नहीं सुनना, जैसे मूवीज खाली देखनी है या फिर साउंड खाली देखना है न्यूज चैनल के हिसाब से, तो इसका साउंड सिस्टम कैसा है ये जल्दी से मैं अपनी एक यूट्यूब से वीडियो चला के आपको दिखा देता हूँ। हालांकि आपको ये मेरा जो माइक के हिसाब से आप कौन से हेडफोन या किस में सुन रहे हो, तो आपको फाइनल आउटपुट नहीं मिलेगा, तब भी एक थोड़ा सा लुक मिल जाएगा। बाकी जो सारी चीजें होंगी मैं कंक्लूजन में बताऊंगा कि ये स्पीकर आपको या होम थिएटर आपको कैसा है आपके लिए। आप कंक्लूजन जरूर पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए इसका एक साउंड सिस्टम देख लीजिए आप, मैं एक साउंड आपके लिए चला देता हूं। आपको एमोलेड डिस्प्ले के साथ ये स्मार्टफोन 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले के साथ ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा। इसके भी जल्दी से देखते हैं और ये स्मार्टफोन मुझे बेस्ट लग रहा है खरीदने के हिसाब से 1600 रुपीज के हिसाब से। अगला जो स्मार्टफोन है मेरा हमारा जो हो सकता है वो है मोटो एज X30। तो गाइज आपने जैसे इसका फाइनल मैंने आप जो है साउंड आउटपुट आपको दिखा दिया कि आपको साउंड आउटपुट कुछ तो समझ में आ ही गया होगा कि साउंड आउटपुट कहता है। अब इसकी सारी की सारी जो बातें हैं, कंक्लूजन है, क्या इसमें खराबियां हैं, क्या इसमें अच्छाइयां हैं, ये सारी मैं जो है कंक्लूजन में बताने जा रहा हूं। तो आइए चलते इसके फाइनल कंक्लूजन में। तो गाइज अपने इस जो है फिलिप्स होम थिएटर 2.1 के फाइनल कंक्लूजन की बात करी जाए तो सबसे पहले मैं ब्लूटूथ की बोलूंगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसकी बहुत ज्यादा बेस्ट है। अब मैं थोड़ी सी आपको दिक्कतें बता देता हूं इसमें कहां कहां आपको दिक्कतें आने वाली हैं। पहले तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे कि देखिए ये 2.1 होम थिएटर है तो इसमें आपको सराउंड साउंड इफेक्ट नहीं मिलने वाला है। हालांकि आप 6500 रुपीज खर्च कर रहे हैं, आपको 5.1 का स्पीकर नहीं है, 2.1 का जो है होम थिएटर है खाली। तो आपको अगर वैसा चाहिए तो आप जाकर के उसको ले लीजिए, तो ये आपको वैसा सिस्टम नहीं मिलने वाला। अब दूसरी चीज ये है कि अगर आपको म्यूजिक के हिसाब से ज्यादा, जो म्यूजिक के लवर्स ज्यादा हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है स्पीकर। लेकिन एक प्रॉब्लम खाली इसमें यह आ जाती है कि आपको धमक बहुत ज्यादा कहीं कहीं मिल जाती है, मतलब कहीं कहीं कुछ कुछ गानों में कंट्रोल नहीं कर पाता है, बहुत ज्यादा धमक मिलती है। लेकिन ऐसे ही ऐसे कोई बिग प्रॉब्लम नहीं है, ये कभी कभी मतलब होम थिएटर्स होते हैं ऐसे ही कि ज्यादा धमक को प्रोड्यूस कर पाए, लेकिन बहुत ज्यादा ये नहीं कि आपको जो है मतलब 10,000 या 15,000 वाली साउंड इसमें नहीं मिलने वाली है। और दूसरी चीज, एक चीज और है कि मुझे इसमें एक दिक्कत और आई है कि इसमें जो ब्र ब्र की जो साउंड है ना वो कुछ ज्यादा ही डाल दी है। मतलब जैसे जो है टीन बजाते हैं, मैं शांतनु उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहता हूं, वो वाली आवाज जो ज्यादा होती है इंस्ट्रूमेंट की वो बहुत ज्यादा आउटपुट, मतलब खाली लगता है कि वही आवाज सबसे ज्यादा कभी कभी आ रही है जब वो इंस्ट्रूमेंट बजता है। तो ये कि ऐसा जिसमें एक प्रॉब्लम ज्यादा है। लेकिन अगर आप जो है मूवीज के हिसाब से देखें तो मूवीज के हिसाब से अगर जो है मैंने आप मूवीज देखते हैं तो उसके हिसाब से बहुत ज्यादा बेस्ट लगा मुझे स्पीकर यार। पूरा मतलब एक साउंड इफेक्ट आता है अगर आप सामने रख देते हो, टीवी के नीचे लगाते हो, या फिर अपने स्मार्टफोन या फिर आप लैपटॉप में भी देखते हो इसको कनेक्ट करके ब्लूटूथ से, तो बहुत ज्यादा बेस्ट है। मैंने इसको पेनड्राइव के साथ चलाया, तो पेनड्राइव के साथ मैंने खाली सॉन्ग ही चलाया, मैंने मूवीज तो नहीं चलाई, लेकिन पेनड्राइव के साथ भी इसका आउटपुट बहुत ज्यादा बेस्ट आता है। लेकिन मैंने ब्लूटूथ से सबसे ज्यादा इसको यूज किया है, तो ब्लूटूथ के हिसाब से तो इसका साउंड इफेक्ट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और एक चीज और है कि आपको उसमें जो है जो इसका 8000 PMPU मतलब लिखा है या मतलब 80 वॉट का स्पीकर है, तो 80 वॉट के स्पीकर के हिसाब से मतलब जिस हिसाब से प्राइसिंग है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये कम से कम 120 वॉट का तो होना ही चाहिए था। लेकिन तब भी यार फिलिप्स एक ब्रांड, बड़ा ब्रांड है तो आपको ब्रांड वैल्यू भी तो देनी ही पड़ेगी। तो 80 वॉट है, 100 वॉट तक का होता तो मुझे लगता है कि वैल्यू फॉर मनी और ज्यादा होता है, लेकिन तब भी मुझे वैल्यू फॉर मनी अभी भी लग रहा है 6500 रुपीज के हिसाब से भी मुझे बेस्ट लग रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक्सीलेंट है उस टाइप का मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ अच्छा है। अगर आपको लेना है आप आंख मूंद के जाकर के ले सकते हो, म्यूजिक में और मूवीज में आपको बिल्कुल धमाकेदार इसमें मजा आने वाला है जरूर। तो ये था मेरा आज का फाइनल कंक्लूजन। आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। मेरी वीडियो अगर आपको यार अच्छी लगती है यार तो वीडियो को जरूर जरूर लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना मेरी ये वीडियो जिनको होम थिएटर लेने की सोच रहे हैं। और साथ ही साथ में यार इस न्यू ईयर में यार मेरा चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब करो, 2022 आ गया है, जल्दी से मेरा मोनेटाइज हो जाए चैनल 2022 में। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को उसको भी ऑल कर लो, जिससे जैसे ही मैं एक नई वीडियो लेकर के आता हूं उसकी नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको मिल जाए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।